गोदी मीडिया गुलाम हो चुका है, वो सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए काम कर रहा है। चारों ओर महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन मीडिया आपको अमृतकाल बेच रहा है। मोदी भक्ति में लीन गोदी मीडिया पीएम मोदी के लिए पीआर का काम कर रहा है, लोगों को अब समझ में आने लगा है। गोदी मीडिया के झूठे अमृतकाल की सच्चाई जानने के लिए करोड़ों लोग यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। अब सरकार ने इन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपना प्रोपोगंडा चलाना शुरू कर दिया है। अब यूट्यूब चैनल भी मोदी प्रचार की नई गाथा लिखने लग गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अलग अलग राज्यों से आए 50 यूट्यूबर्स से मिले, कई और मंत्री यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सारे इंटरव्यू स्पॉन्सर किए हैं माई गवर्नमेंट ने। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपके पैसों का इस्तेमाल मोदी सरकार अपना एजेंडा चलाने के लिए कर रही है। भाजपा के विनाश काल की छवि को मिटाने के लिए अब झूठ के आयाम स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। झूठ के दम पर मोदी मय गाथा लिखी जा रही है। देश को दिखाया जाएगा कि कैसे मोदी का डंका बज रहा है। हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद से बीजेपी डरी हुई है। साल के अंत में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की हालत खस्ता लग रही है। खैर, जनता जाग चुकी है, अब नफरत और मोहब्बत की पहचान करने लगी है।